नमस्कार, आप देख रहे हैं आईटीपी न्यूज़। और आईटीपी न्यूज़ में हम बात करने वाले हैं बिहार की राजनीति को लेकर, क्योंकि लगातार जब से लालू प्रसाद यादव को जमानत मिली है उसके बाद से ऐसे खबरें लगातार सामने आ रही हैं कि अब जो जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन एक तरह की सरकार चला रहा है बिहार में, वो अब ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं है। क्योंकि खुद तेज प्रताप ने इस बात को कहा कि अब जो बिहार की राजनीति है उसमें एक अलग तरह का जो रुख है वो देखने को मिलेगा। ऐसे में जो संभावना है कि जिस तरह तेजस्वी यादव लगातार जो नीतीश सरकार के खिलाफ मुखर है, उसके अलावा अगर बात करें चिराग पासवान की, तो वो भी कहीं ना कहीं खास से खफा हैं जो सीएम है नीतीश कुमार उनसे, क्योंकि लगातार उनके ऊपर जिस तरह से सियासी तंज कसा जाता रहा है, लगातार उनकी पार्टी को जो तोड़ने की कोशिश की जाती रही है उसको लेकर खासे खफा हैं चिराग पासवान। लेकिन क्या बड़ी बात जो अब निकल कर सामने आ सकती है कि क्या चिराग और तेजस्वी एक साथ मिलकर बिहार में राजनीति की शुरुआत, एक नई शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि दोनों युवा हैं और लगातार जो बिहार की जनता है दोनों में ही सीएम पद का चेहरा देखते आने वाले दिनों में। तो ये अपने आप में एक बड़ा विषय हो सकता है, क्योंकि चिराग पासवान जहाँ खुद को अलग थलग महसूस कर, तो क्या ऐसे में चिराग पासवान का सहारा जो है तेजस्वी यादव बन सकते हैं, बनने वाले हैं, क्योंकि लगातार कयासों का दौर राजनीतिक गलियारों में देखने को मिल रहा है कि आखिर जो चिराग पासवान है वो किस तरह से खुद को आगे और मजबूत बढ़ाएंगे, क्योंकि उनकी पार्टी को लगातार तोड़ने की कोशिश की जाती रही। हालांकि चिराग पासवान ने कई लेवल पे अपनी पार्टी को मजबूत करने का, संभालने का साहस किया है, अपने जिलाध्यक्ष को तब्दील किया है, नए प्रवक्ता अपॉइंट किए हैं, लेकिन क्या ये सब उनकी पार्टी को मजबूत कर पाएगा? ऐसे में क्या उनको अगर तेजस्वी यादव का साथ मिलता है, यानी कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद का साथ मिलता है, तो क्या वो बिहार की ज़मीन पर एक मजबूत जो है, जिस तरह से अभी हम त्रिकोणीय मुकाबले की बात करते थे, क्या वो बनकर उभरेंगे? तो ये अपने आप में बड़े सवाल हैं। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं कि क्या वाकई तेजस्वी और चिराग पासवान को एक साथ आना चाहिए? ज़रूर कमेंट करके बताइए। लगातार आईटीपी न्यूज़ देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आ रहे हैं तो उन्हें शेयर भी करना मत भूलिए। नमस्कार।